हाय गाइस, मैं नंबर नाने। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जियो फोन के बारे में। जी हां दोस्तों, जियो का जो फीचर फोन है कीपैड वाला जो मोबाइल है, इस मोबाइल के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इस मोबाइल को अगर आप फ्लैश करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जियो का जितना भी फीचर फोन है सब मोबाइल जो है देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब उसका बैटरी आप निकालेंगे, बैटरी रिमूव करेंगे, तो उसके नीचे में उसका जो मॉडल नंबर सबका अलग अलग होता है। यानी हर मोबाइल पर अलग अलग मॉडल, कम से कम 25 से 30 मॉडल निकाल चुका है जियो, और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस मोबाइल को किस तरह से बूट कराया जाए, मिरेकल बॉक्स से या UMT डोंगल से या बिना किसी बॉक्स से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर ये मोबाइल आपको फ्लैश करने की नौबत पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी ये मिरेकल बॉक्स या जो UMT डोंगल में सपोर्ट नहीं है ये मोबाइल, तो अभी आपको जो इसे बिना बॉक्स के आपको जो है फ्लैश करना होगा। इसका टूल और इसका जो फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड करना होगा नेट से, और तभी आप इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैश फाइल जो आप देख रहे हैं 2403 जो N है, ये मॉडल जो है जियो का, इसका फ्लैश फाइल हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, और इस फाइल को हमने जो है कंप्रेसर फाइल था इसे हमने एक्स्ट्रा हेयर कर लिया है, तो आप भी इसे कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इस फोल्डर को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो फ्लैश टूल है और ड्राइवर है और फ्लैश फाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो क्वालकॉम का जो ड्राइवर होता है इस मोबाइल में जो सपोर्ट है, उस ड्राइवर को पहले हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए दोस्तों इस ड्राइवर को पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, इसे हम डायरेक्ट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते चले जाएंगे। इस ड्राइवर को पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, ताकि ये मोबाइल जो हमारे इस कंप्यूटर से जो है इस डिवाइस से सपोर्ट हो जाए, इस टूल से सपोर्ट हो और ये मोबाइल फ्लैश हो सके। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें, और मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे सारा चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ड्राइवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन आएगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप देख लें थोड़ा सा, इसी तरह से आपको कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बारी आती है आपको यहाँ पे चेक लगाना है, इंस्टॉल करना है फिर से। अगर ये इस तरह से मांगेगा तो फिर से आपको इसी तरह से करना है, करते चले जाना है, जब तक ये ऑटोमेटिकली फिनिश ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे करते चले जाना है। तो दोस्तों हमारा ड्राइवर जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ऐसे हमने फिनिश कर दिया। अब हम यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप बारी आती है फ्लैश टूल की। तो फ्लैश टूल को भी हमें अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉल करना होगा, तो चलिए इस टूल को भी हम यहाँ पे जो है इंस्टॉल करते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे चेक लगाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और ये फ्लैश टूल आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ताकि आप इस फ्लैश टूल से उस मोबाइल को जो है आप फ्लैश कर सकें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फ्लैश टूल है ये भी जो है इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें करना क्या है कि बैक जाना है, क्लोज कर देना सबको, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डेस्कटॉप पे हमारा जो ये फ्लैश टूल है बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, हमारे डेस्कटॉप पर आ चुका है, इसका आइकन बन चुका है। तो इस आइकन को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है इसे हम ओपन करेंगे। चलिए इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं। इस टूल को जब ओपन कर लेंगे हम, उसके बाद हमें जो फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके लोड पर क्लिक करके हमें जो है अपने कंप्यूटर से फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हमारा फ्लैश फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फोल्डर है यहाँ पे फ्लैश फाइल का। तो इस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सबसे ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लैश फाइल का फोल्डर है, इस जो फोल्डर को हमें ओपन करेंगे, उसके बाद ये वाला फाइल आप देख रहे हैं, इनमें से किसी फाइल को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला फाइल नीचे में जो है इस फाइल को हमें सिलेक्ट करना है।
तो दोस्तों फाइल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद अब बारी आती है मोबाइल को बूट कराने की कि मोबाइल को हम बूट कैसे करा सकते हैं, किस तरीके से मोबाइल को बूट करा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल को बूट कराने के लिए आप EDL केबल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने मोबाइल का बैटरी निकाल दिया, उसके बाद EDL केबल में जो स्विच होता है उस स्विच को आपको कंटिन्यू दबा के रखना है, उसके बाद डायरेक्टली उस केबल को आपको मोबाइल में जो है कनेक्ट करना है। और जैसे आप मोबाइल में कनेक्ट करेंगे कुछ सेकंड के बाद जो है EDL मोड जो है आ जाएगा, और आपके कंप्यूटर में अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ड्राइवर जब इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका मोबाइल, और QD लोडर 9008 आपके डिवाइस में जब में शो करेगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल जो है QD लोडर 9008 यहां पे शो कर रहा है, उसके बाद हम इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास EDL केबल नहीं है सिंपली डायरेक्ट आप डाटा केबल को भी लगा करके EDL मोड ला सकते हैं। उसके लिए आपको स्टार हस बटन दोनों को आपको कंटिन्यू एक साथ दबा के रखना है, और उसके बाद आपको जो है डाटा केबल लगाना है, और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे उसके बाद EDL मोड आ जाएगा, उसके बाद आप फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल को मैं फ्लैश नहीं करूंगा, ये वीडियो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए समझाने के लिए ही बनाया हूं, और अगर आपको फ्लैश करना है तो आप यहां पर डायरेक्ट नीचे में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।